कई लोग अपने खुद के घर का सपना देखते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस वक्त घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हो, तब क्या करें? ऐसे में होम लोन ही एकमात्र विकल्प है। होम लोन एक बैंक या हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी के जरिए घर खरीदने, घर बनाने और घर की मरम्मत के लिए दिया जाने वाला लोन है। होम लोन पर ब्याज भी लगता है और इस लोन को हर महीने एक निश्चित राशि की किश्तों का भुगतान करके एक तय अवधि में चुकाया जा सकता है। लोन की पूरी राशि चुकाए जाने तक घर बैंक के पास गिरवी रहता है। लोन की पूरी प्रक्रिया जटिल हो सकती है। आइए इसे आसान भाषा में समझें। भारत में बैंक आमतौर पर यह मानते हैं कि आपके सभी मासिक लोन भुगतान आय का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सीधे शब्दों में, आपका वेतन जितना ज्यादा होगा, आपको उतना ही ज्यादा लोन मिल पाएगा। आप होम लोन का आवेदन अकेले या परिवार के किसी सदस्य के साथ भी कर सकते हैं। लोन लेने के लिए माता पिता अपने अविवाहित बेटे या बेटी के साथ लोन लेने के लिए सह आवेदक बन सकते हैं। होम लोन के लिए पति पत्नी दो भाई एक साथ आवेदन कर सकते हैं। इसका फायदा यह होता है कि दो आवेदक होने से सह आवेदक की आय मूल आवेदक की आय के साथ जुड़ जाती है, जिसके बाद लोन में मिलने वाली रकम बढ़ जाती है। ऑनलाइन होम लोन कैलकुलेटर की मदद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना लोन मिल सकता है, लोन चुकाने की समय सीमा क्या होगी, इसकी किश्त कितनी होगी। अलग अलग बैंकों की वेबसाइटों पर ऐसे कैलकुलेटर है। बैंक आपको कोई भी लोन देने से पहले यह जांचता है कि आप लोन वापस चुका सकते हैं या नहीं। आप जिस घर को खरीदना चाहते हैं, बैंक उसका वेरिफिकेशन भी करता है। EMI यानी हर महीने एक तय समय पर तय रकम की देनदारी। जब बैंक आपको लोन देता है, EMI की रकम भी उसी समय तय होती है। लोन की मूल रकम और ब्याज दोनों का भुगतान EMI के जरिए किया जा सकता है। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि आमतौर पर लोन अप्लाई करने पर घर की कीमत का 80% या 85% हिस्सा लोन की रकम की तौर पर मिल जाता है। बाकी की रकम का भुगतान आपको अपनी जेब से करना होगा। इसे डाउन पेमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा आपको घर खरीदने वक्त स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, बैंक फीस, GST के लिए अतिरिक्त रकम देनी पड़ सकती है। लोन लेते समय बैंकों की लोन योजनाओं की जानकारी लेने के बाद बैंक चुने। होम लोन को लेकर अलग अलग बैंकों की शर्तों में मामूली अंतर हो सकता है। लोन की शुरुआत एक आवेदन से होती है, जिसमें बैंक के द्वारा व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। फिर इस जानकारी के आधार पर बैंक अनुमान लगाता है कि लोन देने के लिए आप योग्य हैं या नहीं। लोन के लिए कुछ दस्तावेज बैंक में जमा करने होते हैं, जिसमें पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता का प्रमाण, नौकरी से संबंधित जानकारी, बैंक स्टेटमेंट, आय का प्रमाण पत्र, संपत्ति की जानकारी शामिल है। आपका आवेदन और बाकी सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद बैंक इसे वेरीफाई करता है। इसके लिए आपको बैंक अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। फिर बैंक अधिकारी तय करते हैं कि आप लोन देने योग्य है या नहीं। यदि योग्य है तो कितनी रकम दी जा सकती है। इसके लिए बैंक अधिकारी आपके दफ्तर भी जा सकते हैं, जहां आप काम करते हैं। बैंक अधिकारी ये भी जांचते हैं कि आप पर कोई दूसरा कर्ज तो नहीं। इसके लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के साथ आपका रिकॉर्ड यानी सिबिल स्कोर भी देखा जाता है। जब बैंक पक्का कर लेता है कि आप लोन चुका सकते हैं, तब जाकर आपके लोन को अप्रूव किया जाता है। इसके बाद बैंक लोन ऑफर लेटर देता है, जिसमें जानकारी होती है कि आपको कितना लोन मंजूर हुआ है, इसके लिए किस ब्याज दर पर शुल्क लिया जाएगा, आप इस लोन को कब तक और कैसे चुका पाएंगे, ब्याज दर फिक्स है या वेरिएबल या फ्लोटिंग। फिर आपको इस ऑफर लेटर को स्वीकार करते हुए एक लेटर देना होगा, और साथ ही अगर बैंक की कोई प्रोसेसिंग फीस है तो उसका भुगतान भी करना पड़ सकता है।
और उस पर GST भी लग सकता है। लोन मंजूर करने से पहले बैंक आपके द्वारा खरीदे जाने वाले घर के दस्तावेजों की भी जांच करता है। आपको टाइटल डीड, घर की NOC जैसे दस्तावेज बैंक को देने होंगे, क्योंकि लोन चुकाने तक आपका घर गिरवी रहेगा। इसके साथ ही संपत्ति को लेकर कोई विवाद न हो, इसकी कानूनन जांच भी की जाती है। यदि घर बन रहा हो, उस जगह बन रहे घर की क्वालिटी, घर कब तक तैयार होगा, अगर खतरनाक है या नहीं, घर के खिलाफ कोई कानूनन कार्रवाई की जा रही है या नहीं, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। एक बार जब सभी दस्तावेज पूरे हो जाते हैं, तो आपको एग्रीमेंट साइन करना होता है और बैंक शर्तों के अनुसार लोन के रकम को चुकाने के लिए बैंक एक मुश्त या किश्तों का विकल्प देता है।